स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड रिपोर्ट के बारे में। थायराइड में जो है रिपोर्ट कैसे होता है, तो थायराइड टेस्ट रिपोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो हम लोग जैसे कि पहले भी देख चुके हैं कि थायराइड का रिपोर्ट किस तरह से देखना होता है और क्या क्या उसमें मतलब ध्यान देना होता है, तो इस वीडियो में भी हम लोग ध्यान देंगे कि क्या इसको मतलब इस पेशेंट का थायराइड बढ़ा हुआ या नॉर्मल है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर ये नॉर्मल है कि बढ़ा हुआ है, क्या रेंज होता है रेफरेंस। तो हम उनसे मतलब कहेंगे कि आप जो है उस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थायराइड में बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं हमारे, मतलब दो वीडियो तो अपलोड कर चुके हैं, तीसरा वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा। देखिए थायराइड 3 तरह का होता है, T3, T4, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये TSH हो गया और जो है T3 T4 भी होता है। तो इस सब का रेंज होता है, रेफरेंस रेंज मतलब नॉर्मल कितना रहना चाहिए। तो देखिए जैसा कि इनका देख सकते हैं आप, यहाँ पे 60 से लेकर के 181 तक होना चाहिए नॉर्मल। तो 180 जो है यहाँ पे वो इनका मतलब रिजल्ट आया है और नॉर्मल होना चाहिए 60 से 181, तो जो है वो नॉर्मल हुआ। T3 हो गया। अब T4 में देख लेते हैं, आप देखिए T4 है तो T4 में क्या है कि 12.40 इनका निकला है और यहाँ 3.20 से लेकर के 2.6 तक होना चाहिए, मतलब कि हल्का सा मतलब बहुत ही कम मात्रा में बढ़ा हुआ है T4। और TSH जो है 1.68 है, 1.68 तो है, 0.35 से होना चाहिए 5.50 तक, तो इनका नॉर्मल हुआ वो भी। तो इस तरह से रिपोर्ट आप देख सकते हैं और ये अपना पता कर सकते हैं। अगर आपको जांच में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, जांच आप नहीं करवा पा रहे हैं थायराइड का, अगर आपको थायराइड है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, आपका थायराइड जो है करवा दिया जाएगा। और आपको कैसे मतलब क्या आपका थायराइड में क्या दवा चल रहा है वो भी देख लिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।